हेलो फ्रेंड, मैं आपके लिए ये एक चीज़ लेके आया जो डिस्प्ले को कैसे रिपेयर करते हैं और डिस्प्ले का जो कनेक्टर है उसको कैसे हम लोग उसको रिपेयर करते हैं और उसको निकाल के ये डिस्प्ले को निकाल के नया वाला कनेक्टर सॉरी जो डिस्प्ले का कनेक्टर है इसको निकाल के दूसरा वाला कनेक्टर हम लोग लगाएंगे। ये बहुत डेलिकेट आइटम है, अगर आप इसको निकालेंगे तो ये टूट के ही निकलता है और इसको आराम से आप निकालना है और दूसरा भी आराम से बिठाना है। चलिए हम लोग अभी देखेंगे कि इसको कैसे निकालेंगे। ये आईफोन 6s का है, ये इसका एक पत्ता के साथ है, तो उसको मैं निकाल के दूसरा लगाने के लिए ट्राई करेगा। आप लोग देखिए मैं कैसे करता हूँ, उसके हिसाब से आप भी वैसा ही करिए। मेरे पास और दूसरा एक ये है, ऑलरेडी आईफोन का ही निकाला हुआ है, मैं दिखाता हूँ। ये उसका मैं ये उसमें लगाएगा, क्योंकि ये इसको इसलिए निकलेगा कि इसमें आप देख सकते हैं एक छोटा सा पॉइंट है जो कि वो टूट गया है। ये जो उसका पिन है छोटा वाला, ये देखिए यहाँ एक छोटा सा पिन है टूट गया, सो उसको इसको पूरा निकालना पड़ेगा क्योंकि ये रिपेयर नहीं हो सकता है। चलिए आप इसको पहले निकालेंगे, मैं दिखाता हूँ इसको हॉट एयर गन से कैसे निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड हम लोग इसमें से थोड़ा सा कुछ फ्लॉक्स लगा देंगे, फ्लॉक्स लगाने में थोड़ा आराम से निकल सकता है, जैसे कि ये फ्लॉक्स है, ये फ्लॉक्स थोड़ा लगा के उसके बाद हॉट एयर गन में हम लोग उसको गर्म करके निकालेंगे। ट्राई करेंगे कि पत्ता नहीं जलना है, एक बार पत्ता जल गया तो खराब हो जाएगा। हम उसको देखेंगे कि जैसे कि पत्ता को टच नहीं होना है, क्योंकि एक बार वो पत्ता को टच हो जाएगा तो वो जो उसका पूरा ये खराब हो जाएगा, तो उसको देख के आराम से हम लोग करना है। ये देखिए ये निकल गया, तो आराम से तो निकल गया है। ये देखिए इसको निकल गया, इसको हम लोग सोल्डरिंग आयरन में थोड़ा सेट करेंगे, इसको रिबॉइलिंग जैसा करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये कैसे निकल गया। आराम से तो निकल गया, लेकिन ये देखिए पिन पूरा जैसा है वैसा क्या निकला, उसका उल्टा साइड दिखता हूँ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सोल्डरिंग आयरन से हमारा जो सोल्डरिंग आयरन है, सोल्डरिंग आयरन से थोड़ा उसको रिबलिंग जैसा थोड़ा कर लेंगे और एक बार थोड़ा उसको ये लगाएंगे और एक बार थोड़ा फ्लक्स लगाएंगे। थोड़ा सा प्लग सफिशेंट हो जाता है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये देखिए फ्रेंड, मेरा सोल्डरिंग आयरन ऑलरेडी हीट हो गया और उसमें ऑलरेडी कुछ सोल्डरिंग वायर ऑलरेडी उसमें लगा हुआ है पहले से, मेरा जो सोल्डरिंग आयरन है, तो थोड़ा और लगा लेता हूँ मैं अच्छा तरह से। थोड़ा और लगा देने से क्या होगा कि ये देखिए ये थोड़ा और ले लिया, तो उसको क्लीन करने में थोड़ा ठीक ठाक रहेगा। देखिए मैं कैसे क्लीन करता हूँ, तो उसको टच करने के लिए भी जरूरत नहीं है, जस्ट हल्का से उसको पूरा दबाने के लिए जरूरत नहीं है। तो इसको ये हो गया, देखिए ये इधर ही लगा हुआ है, नीचे कुछ भी नहीं लगा, जस्ट क्लीनिंग हुआ। अभी फ्रेंड देखिए, मैं ये जो दूसरा वाला था मेरे पास ऑलरेडी, एक मिनट थोड़ा मिस्टेक हो गया,
मेरे पास जो दूसरा वाला था मैं उसको अभी लगाएगा, तो उसको कैसे करता हूँ मैं दिखाता हूँ आप लोग को लगाने के लिए। ये हॉट एयर गन में करना है जैसे कि आपको 350 के नज़दीक हीट देना है। ये दूसरा वाला दिखाता हूँ, ये बहुत बड़ा है, ये देखिए ये दूसरा वाला है, मतलब नया तो नहीं है, दूसरा ये से निकाला था। तो इसको उठाने के लिए आप कभी भी फ्लक्स का थोड़ा यूज कर लीजिए, थोड़ा फ्लक्स यूज करेंगे तो ये आराम से उठ जाएगा। ये देखिए मैं थोड़ा फ्लक्स लेके आया, ये देखिए ये उठ गया। तो फ्लक्स में उठाने से आपको ईजी रहेगा। ये देखिए इसका पिन ख़राब नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं कि वो उसका पिन एक जगह से ख़राब हुआ था। तो मैं इसको इसमें सेट करेगा, आप इसको ऐसे सेट कर लीजिए, थोड़ा फ्लक्स लगा देने से ये जमा रहेगा। उसके बाद आप उसको हॉट एयर गन से असेंबली री वर्क स्टेशन से थोड़ा हीट कर देने से हो जाएगा। ज़्यादा नहीं करना है लेकिन, क्योंकि इसका पत्ता ख़राब हो सकता है। तो पहले आप बिठा दीजिए ठीक से इसको, एक बार ये बैठ गया तो थोड़ा हीट दे दीजिए, हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए इसको बिठाने के बाद अभी हॉट एयर गन से इसको हीट देंगे हम लोग। इसका जो हीट का जो ये है कैपेसिटी है उसको मैं 350 के नज़दीक में रखा है, और एयर का जो रखा है 3.5 में रखा है, क्योंकि मैं मेरा जो असेंबली रिग वर्क स्टेशन के हिसाब से मैं रख रहा हूँ। आपका ये में रखेंगे नहीं तो जल जाएगा इसको, आप ज़्यादा कुछ करेंगे तो ये जल जाएगा। तो आराम से आप इसमें करना है, और ये उड़ भी जाएगा अगर आप धीरे से, अगर ज़्यादा प्रेशर दे देंगे तो ये उड़ के भी चला जाएगा, इसलिए आप देख के करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि ये हो गया है, एक बार मैं देखेगा कि ये लग जमा हुआ है फिर निकल गया क्या है, देखता हूँ एक बार। चलिए लग गया दिख रहा है, ये तो लग गया, लग नहीं लगा हुआ तो फिर से लगाना पड़ेगा। इसको बंद कर दिया, इसको क्लीन करता हूँ, देखता हूँ ये हुआ नहीं हुआ, ये बहुत गर्म रहता है। तो अभी मैं इसको चेक करेगा क्या हुआ, थोड़ा जूम कम कर लेता हूँ, आप लोग देख सकते हैं ये iPhone 6s का है, iPhone 6s का है ये। ये देखिए फ्रेंड्स मैं अभी इसको निकाला, iPhone 6s का जो उसका डिस्प्ले का इशू था ये इसके वजह से नहीं आ रहा था, तो मैं अभी इसको निकाल दिया। थोड़ा देखता हूँ ये लगा हुआ है नहीं लगा, ये सही जगह में बैठा है नहीं बैठा है, थोड़ा देखना पड़ेगा इसको आराम से। उसके बाद हम लोग इसको कस्टमर को दे सकते हैं चेकिंग करने के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स ये तो लग गया, लेकिन आपको कुछ इसमें गलती दिख रहा है क्या? मुझे तो इसमें कुछ छोटा मोटा गलती दिख रहा है, ये देखिए हाँ आगे पीछे थोड़ा हो गया लगता है, लेकिन ठीक ही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एग्जैक्ट लगा है। अगर आपको कुछ गलती लग रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप यहाँ मिस्टेक किए हैं बोल के, तो मुझे अच्छा लगेगा। चलिए मेरा कोई भाई है जो कि मुझे अच्छे से सजेशन भी दिया बोल के, ये देखिए मैं ऐसा किया है इसको, तो ये लग गया है, मैं जो देखा ये नहीं निकल रहा है, देखिए हार्ड हो गया है थोड़ा सा रिवर्क, और इसको क्लीन करना है और इसको हम लोग दे देंगे। बाकी पत्ता भी उसका है, मैं इसको घुमा दिया था, देखिए इसका बाकी पत्ता भी है, सही से है।
मैं इसको जस्ट घुमा दिया था, क्योंकि वो भी जल जाएगा तो वो भी निकल सकता था। तो मैं आज आपको, तो फ्रेंड मैं आप लोग को आज ऐसा एक चीज़ दिखाया जो कि ये चीज़ बहुत डेलिकेट है और इसको सेंसिटिव है, अगर ये टूट गया तो पता पूरा डिस्प्ले ही आपका वेस्ट हो सकता है। इसलिए आप इसको आराम से करना पड़ेगा। कैसे करना है, कनेक्टर से कैसे लगाना है, ये कनेक्टर से, एक कनेक्टर से दूसरा निकल के कैसे लगा सकते हैं, मैं आपको आज दिखाया। अभी इसको हम टेस्टिंग करेंगे और इसको टेस्टिंग करने के बाद देखेंगे। मैं आज यही वीडियो रखा कि आप लोग को दिखाने के लिए कनेक्टर, एक्चुअली इसका अंदर एक दिखाता हूँ मैं आप लोग को, क्या इशू होता है कि इसको लगाने के लिए इतना ईजी नहीं होता है, इसलिए कि इसका अंदर एक प्लास्टिक का आइटम रहता है वो जल जाता है। मेरे पास बहुत सारा ऐसा ऐसा छोटा मोटा कनेक्टर है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो कनेक्टर अभी जो निकल हुआ कनेक्टर, मैं वही दिखाता हूँ। ये कनेक्टर ये देखिए फ्रेंड, एक निकल हुआ कनेक्टर मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। इसके अंदर क्या है कि प्लास्टिक को, ये जो कनेक्टर है ये प्लास्टिक के साथ रहता है, तो प्लास्टिक जलने का चांसेस बहुत रहता है। थोड़ा फ्लक्स ले लेता हूँ, आराम से दिखेगा, नहीं तो उसको उठाने से नहीं ले उठ रहा है। ये देखिए इसमें क्या है कि प्लास्टिक भी रहता है, इसके वजह से ये देखिए कनेक्टर या छोटा मोटा ऐसा कनेक्टर को उठाने के लिए आपको फ्लक्स ही सही आइटम है जो कि उठेगा आराम से, आप दिखा सकते हैं। ये देखिए ये प्लास्टिक का है, तो प्लास्टिक जलने का चांसेस रहता है, ज़्यादा हीट नहीं देना है, एयर का प्रेशर भी ज़्यादा नहीं देना है, जलने का चांस रहता है। अंदर का प्लास्टिक रहता है, बाहर का कुछ स्टील का कंटेंट रहता है, तो आप इसको देख के ही करना पड़ेगा। सेंसिटिव है ये, एक बार टूट गया तो फिर दूसरा लगाना पड़ेगा, दूसरा अगर अवेलेबिलिटी आपके पास रहेगा तो। आईफोन का अवेलेबिलिटी बहुत कम रहता है, इसका हम लोग इसलिए निकाले कि ये जो था देखिए ये पिन ख़राब हो गया था, ये साइड में एक छोटा सा पिन है, काम नहीं कर रहा था डिस्प्ले, इसके लिए चेंज किया। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, आप लोग ये मेरा वीडियो देखे हैं, कंटिन्यू कीजिए मेरा वीडियो को, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।